अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत्किंचित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिन्मयं व्यापियत् सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणौ त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणौ त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातं दैवतमाश्रये गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शांकरी जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम् सार्धं केन च कस्यार्धं शिवयो समरूपिणोः ज्ञातुं न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः अद्वैतमात्मनस्तत्त्वं दर्शयन्तौ मिथस्तराम् तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये मूलमध्याय नमः पूर्णाय शम्भवे हे असो नाम रूपाचा भेदशिरा गीत एकार्थाचा उजिरा नमो तया शिव वो हरा ज्ञान देवो मणे जया दोघांचा आलिंगनी विरोनी गेली दोन्ही आवघियाची रजनी दिठीची जे जयांच्या स्वरूप निर्धारी गेली परेसी वैखरी सिंधूसी प्रलयनीरी
गंगा जैसी वायु तळवळेसी जिराला व्योमाची कुशी आटला प्रळय प्रकाशी सप्रभ भानु देवी निहाळिताय याते गेले पाहणे नसी पाहाते पुढती घर वरवते वंदिली ते जयाची आवाहणी वेदक वेद्याचे पाणी नपिये परी सांडणी आंगाची ही करी तेथमी नमस्कारा लागी उरो दुसरा तरी लिंग भेद परा जोडू जावो परी सोने नसी दुजे नहोनी लेणे सोना भजे हे नमन करणे माझे तैसे आहे सांगता वाचे ते वाचा ठाव वाच्य वाचकाचा पडता काय भेदाचा विटाळ आहे। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने नमस्कार करने का जो तरीका इस ग्रंथ में प्रथम अध्याय में प्रतिपादित किया है वह अपना अनोखा तरीका है। परी सोने नसी दुजे नहोनी लेने सोना भजे हे नमन करणे माझे तैसे आहे। जिस प्रकार से सुवर्ण के अलंकार सुवर्ण को नमस्कार उससे अलग होकर के नहीं कर सकते क्योंकि वो सुवर्ण के हैं तो अपने नाम रूप का जो अहम भाव अहंकार है उसका त्याग करके अपना जो स्वरूप है सुवर्ण स्वरूप उसके साथ अपने आप को मिला लेना यही नमस्कार है। और हे नमन माझे तैसे देखो हम लोगों ने पहले जो इंट्रोडक्शन पढ़ा उसमें अनेक जो विचार आए थे उसमें एक विचार ये था कि जब साधक अपनी साधना करते करते आगे चलता है तो पहले वो आ जाता है समना स्थिति पर। समना स्थिति वो है कि जहां मन के व्यापार तो चल रहे हैं लेकिन मन के व्यापारों के कारण हम व्यापारी नहीं बन रहे हैं। वो हो गई समना स्थिति जिसमें द्वैत का अनुभव भी होता है और द्वैत का प्रतिपादन भी होता है और द्वैत की भाषा भी बोली जाती है और उसमें द्वैत का महत्व भी रहता है। वो हो गई समना स्थिति। अब उससे आगे बढ़कर के जब व्यक्ति अपने आप को संपूर्ण जगत के नाम रूप और त्रिपुटी से उपरत करने में लग जाता है तब वह साक्षी भाव को जागृत करता है और जब साक्षी भाव को जागृत किया तो उसके बाद की जो स्थिति है कि यह साक्षी का स्वरूप क्या है तो साक्षी के स्वरूप का जब चिंतन शुरू हो जाए तब उसको कहते हैं उन्मनी अवस्था। पहली हो गई समनी जिसमें मन बना रहता है अदम इदम अहम इदम वृत्ति का व्यापार बना रहता है इससे बढ़कर के इदम वृत्ति का त्याग कर दिया अहम वृत्ति पर आए और इस अहम वृत्ति का मूल क्या है इसका जब अनुसंधान शुरू हो गया तो हमारा मन उन्मनी अवस्था को पहुंच जाता है। उत माने ऊपर और त के बाद जब म आता है तो त को न कहते हैं संस्कृत के नियम के अनुसार इसीलिए उसका हो गया उन्मनी अवस्था। जैसे चित्तमय बन जाता है चिन्मय उसी प्रकार से उत और मन बन गया उन्मन। तो ये जो उन्मनी अवस्था है इसमें हमारा मन ये द्वैत और द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है इसलिए उसको कहते उन्मनी अवस्था। इसमें भी साधक का व्यक्तित्व पूरा नष्ट नहीं होता। और जो तीसरी बात है वो हमारे ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे तीसरी बात कौन सी है परी सोने नसी दुजे
नहोनी लेणे सोना भजे, हे न मन करणे माझे। पहले समना, फिर उन्मना और अब न मना, तीसरी स्थिति है जिसमें व्यक्तित्व का संपूर्ण अभिव्यक्त में समापन होना, उसी को कहते हैं नमन करना। मन को हटा देना, न कॉमा मन, मन का ही जहां अभाव है, मन का जहां अभाव हुआ वहां द्वैत की प्रतीति समाप्त हो गई, और जहां द्वैत की प्रतीति समाप्त हो गई वहां मैं नमस्कार करने वाला और जिसको नमस्कार किया जा रहा है इस जगत के माता पिता शिव शक्ति, यह जो द्वैत है ये हमेशा के लिए समाप्त हो गया। ऐसे आए इस प्रकार से जैसे सुवर्ण के अलंकार सुवर्ण को सुवर्ण से भिन्न होकर के नमस्कार नहीं कर सकते, केवल उन अलंकारों ने जो अपने आप को एक व्यक्तिगत रूप में समष्टि से अलग करके परिच्छिन्न स्वीकार किया था, उस परिच्छिन्नता का परित्याग करने में ही नमन करने की सिद्धि होती है। अब ऐसा यदि है तो फिर आप क्यों कहते हो भैया कि हमने नमन किया? अब इस प्रश्न का उत्तर संत ज्ञानेश्वर महाराज इतना फैंटास्टिक देते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और जब वो अपने इस तर्क की विचारधारा में पहुंच जाते हैं और फिर एकदम मस्ती चढ़ जाती है। कहते हैं सांगता वाचे ते वाचा ठाव वाच्य वाचकाचा पड़ता काय भेदाचा विटाळा हे। वाणी ही बोल रही है वाणी के बारे में, तो जो वाणी बोल रही है वो हो गई वाचक, और जिस वाणी के बारे में बोला जा रहा है वो वाच्य, तो जो वाणी बोल रही है वो वाणी के ही बारे में बोल रही है। तो व्याकरण के दृष्टि से तो होगा कि एक तो वाचक है जिसके बारे में बोला जा रहा है और एक वाच्य है जो बोल रहा है, लेकिन क्या इसके द्वारा हम दो कहेंगे कि दो प्रकार की वाणी होती है, एक प्रकार की वाणी जिसके बारे में बोला जाता है और दूसरे प्रकार की वाणी जो बोलती है, ऐसा कभी कोई कहेगा? इसी प्रकार से यदि हम अपने नमस्कार को कह रहे कि हमने शिव शक्ति को नमस्कार किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने द्वैतों को खड़ा किया है। जैसे वाणी ही वाणी का वर्णन करती है तो उसमें द्वैत की सिद्धि नहीं होती, उसी प्रकार से जब हमने शिवशक्ति को नमस्कार किया है तो उसमें मैं नमस्कार करने वाला और जो शिवशक्ति है जिनको नमस्कार किया जा रहा है, तो द्वैत की आपत्ति नहीं आ रही है। पड़ता काय भेदासा विटाळा है, तो कहा ये कहीं ये द्वैत की छुआछूत यहां आ गई है। और आगे उदाहरण देते हैं सिंधु आणी गंगे ची मिळणी स्त्री पुरुष नामाची मिरवणी दिस तसे तरी पाणी काय द्वैत होईल। सिंधु और गंगा, सिंधु माने सागर, तो समुद्र है पुल्लिंग और गंगा जी है स्त्रीलिंगी शब्द, तो ये दो शब्द जो है सिंधु आणी गंगे ची मिरवणी स्त्री पुरुष नामाची मिरवणी, तो क्या हम ऐसा कहेंगे कि गंगा नाम की स्त्री सागर नाम के पुरुष के साथ एक जब हो जाती है तब उसको गंगा सागर कहते हैं? नहीं, तो जब गंगा जी समुन्दर को मिलती है तो व्याकरण की दृष्टि से बोलने के दृष्टि से तो कहेंगे कि गंगा मिलती है क्योंकि वो स्त्रीलिंग है, लेकिन तरी दिशत से पानी का यह द्वैत हो ही ना, तो जहां ये समझो आपने गंगा जी में हाथ डाल करके गंगा जी का नाक पकड़ा क्योंकि वो स्त्रीलिंगी है, तो क्या गंगा जी के नाक को नथ हाथ में आएगी? और समुन्दर के अंदर में हाथ डुबोया और समुन्दर का नाक पकड़ा तो क्या मूछ हाथ में आएगी?
नहीं, वहां गंगा जी स्त्रीलिंगी शब्द होने के कारण उसके नाक में नथ नहीं है और समुन्द्र पुल्लिंगी होने के कारण उसको मूछ का चक्कर नहीं है। क्यों? कि दोनों है पानी ही असल में, तो वही एक पानी एक स्थान पर रह करके स्त्रीलिंगी शब्द से बुलाया जाता है कि वह शक्ति है, गंगा है, और वही पानी दूसरे स्थान पर रह करके बुलाया जाता है कि वह सागर है, पुरुष है। तो जो पानी कभी शिव के नाम से कहो या शक्ति के नाम से कहो, है तो एक ही तत्व। और इस प्रकार से कहने के लिए तो गंगा और सिंधु दो है, और दोनों के नाम भी बड़े महत्व के हैं अपने अपने आप जगह में। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, बड़ा महत्व है उसका। लेकिन पानी के दृष्टि से देखा जाए तो गंगा जी में और समुन्द्र में कोई फर्क नहीं, इसमें कहां भी द्वैत का लांछन नहीं है। एक उदाहरण और देते हैं, पाहे पा भाष्य भासकता आपुला ठाई दाविता एक पणा काय सविता मोड़िता से। सूर्य भगवान साइमल्टेनियसली एक साथ भाष्य और भासकता, जब हम सूर्य को देखते हैं तो जिसको देखते हैं वो हो गया देखा गया, और उस सूर्य को किसके प्रकाश में देखते हैं तो सूर्य के ही प्रकाश में, क्योंकि सूर्य स्वयं प्रकाश है। तो जो प्रकाश करने वाला भासक, प्रकाश करने वाला भासक और जो प्रकाशित किया जाता है भाष्य, क्या क्योंकि दो प्रकार के फंक्शन सूर्य भगवान कर रहे हैं तो क्या हम दो सूर्यों की बात कर रहे हैं? और इसीलिए हम प्रत्येक व्यक्ति साइमल्टेनियसली दोनों बातें होते हैं। कौन सा? वी आर साइमल्टेनियसली सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। जैसे एक बार हम ये दृश्य के विवेक के बारे में बता रहे थे कि यद दृष्टम तद जड़म और दृगे व न तो दृश्यते, जो दृष्टा होता है वो कभी दृश्य नहीं बनता। अब ये प्रिंसिपल समझाने के लिए उदाहरण, जैसे हम जो भी वस्तु देखते हैं वो जड़ है, हम इस फूल को देख रहे हैं तो फूल जड़ है और हम देखने वाले चैतन्य है। और फिर वो सब होने के बाद एक अम्मा ने हमको प्रश्न पूछा, स्वामी जी आप लोग उदाहरण अपने मर्जी से देते हो। तो हमने कहा ठीक है आपकी मर्जी बताओ कौन सा उदाहरण दूं। तो बोले आप हमको देखते हो तो आपको क्या लगता है? मैंने बोला मुझे स्पष्ट अनुभव होता है कि आप सब जड़ हो। सीधे सीधे आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल कह रहे हैं, क्योंकि जो हम आपको देख रहे हैं तो आपके जड़त्व को ही तो देख रहे हैं, आपके चेतन को हम कहां अपना विषय बना सकते हैं? क्योंकि जो चेतन यहां से देखने की उपाधि से देखने वाला करके अभिव्यक्त हो रहा है, वही चेतन वहां से देखा गया इस स्थूल शरीर की उपाधि से ही अभिव्यक्त हो रहा है, और इसीलिए एक साथ हम दोनों होते हैं। जो पुरुष प्रकृति सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से यहां पाहे पा भाष्य भासकता। अब देखो लोगों को अपने गाने क्यों पसंद आते हैं? जिनको बोलने का रोग हो जाता है, बकवास चैतन्य, बोलते रहो बोलते रहो, दूसरा कोई बोले तो अच्छा थोड़ी लगता है। तो अपने ही बोलने का अपने ही गाने का इतना आदमी को शौक क्यों होता है मालूम है? उसमें शिव शक्ति का समावेशन हो जाता है। इसलिए बोलने वाला मैं और सुनने वाला भी मैं, इसीलिए जब दूसरे ने समझो कोई भयानक गाना गा दिया तो हम तुरंत कहेंगे कि तुम क्या गाना गा रहे हो, फटे बांस के जैसी तुम्हारी आवाज है, चुप हो जाओ। और जब हम ही अपने अकेले साथ होते हैं तो हमको ऐसे लगता है कि मेरी आवाज एकदम लता मंगेशकर की जैसी होती है,
लगता जरूर है, होती बिल्कुल नहीं, और फिर भी हम अपने गुनगुनाने के सुनने के बाद कभी बोर नहीं होते। कारण यही है कि जहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, विषय और विषयी, इन दोनों के एकत्व की सिद्धि हो जाती है, वहां इस अद्वैत तत्व की निष्पत्ति हो जाती है, और जहां अद्वैत तत्व की निष्पत्ति होगी वहां प्रेम स्वाभाविक होता है। और इसीलिए हम लोगों को अपना चेहरा आईने में देखने में कभी दुख नहीं होता, है ना। भले लोग हमारा चेहरा न देखना चाहे, लेकिन हम जब अपने चेहरे को देखते हैं, बचपन से कितने बार देखा होगा, लेकिन कभी एक बार भी ऐसा आया क्या, बहुत बूढ़ा हो गया अब इसको निकाल देना चाहिए? नहीं, बूढ़ा हुआ तो क्या, लेकिन आई लुक स्टिल स्मार्टर। और फिर हम लोग कंपैरिजन करते हैं उसके साथ कि जो खजूर का पेड़ हो, उसके साथ अपना कंपैरिजन करके तसल्ली मान लेते हैं, लोग तो कितने खराब दिखते हैं, मैं फिर भी अच्छा दिखता हूं या दिखती हूं। क्यों? कि जिसको देख रहा हूं वह विषय, और जो देख रहा है विषयी, इन दोनों में भेद की स्वीकृति नहीं होती। यही बात यहां कहते हैं कि मैं नमस्कार करने वाला और जिसको मैंने नमस्कार किया वो शिव शक्ति, मेरे माता पिता, इस नमन के द्वारा मैंने द्वैत की सिद्धि नहीं करी। देखो, दो तीन प्रकार की मुक्तियां होती है। एक तो होती है मुक्ति की कल्पना, ऐसे लगता है कि मुक्त है लेकिन होता विता कुछ नहीं, केवल लगता ही लगता है। दूसरी होती है विदेह मुक्ति, कि जो शरीर पात के बाद फिर इस जगत में आने का चक्कर नहीं रखती। हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज ये दोनों के चक्कर में नहीं पड़े हुए थे, उनकी अपनी मुक्ति थी। और कौन सी थी वो? जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति में जिंदा रह करके स्वातंत्र का अनुभव करना, जीवन मुक्ति में स्वातंत्र का अनुभव करना माने द्वैत के क्षेत्र में रहते हुए भी द्वैत के द्वारा प्रभावित न हो करके अद्वैतानुभूति में नित्य निरंतर रह करके द्वैत का नाटक खेलने की जो कला है उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। और इसमें हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज एकदम एक्सपर्ट थे, क्योंकि उनका भी जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन हमारे कन्हैया लाल जी, नटवर लाल जी आए थे, है ना, वही दिन है। और एक पणा काय सविता मोड़िता से, जिस प्रकार से सूर्य अपने आप को दो रूप में प्रकट करता है, प्रकाशित करने वाला और प्रकाशित हुआ हुआ, तो ये दो के कारण उसका एकपन जो है उसमें हानि नहीं आती। उसी प्रकार से हम जब शिव शक्ति को नमस्कार कर रहे हैं तो उसके द्वारा द्वैत की सिद्धि नहीं हो रही है, हम तो अद्वैत का ही प्रतिपादन कर रहे हैं, और इस अद्वैत के प्रतिपादन के लिए हम द्वैत का सहारा लेते हैं, फिर भी शर्माते नहीं कि हम द्वैत में हैं तो कैसे अद्वैत की बात करें। एक अपना का इस विधा मोड़िता से, और आगे जाकर के बढ़िया बात कहते हैं, चांदाचिया दोंदावरी होत चांदनियाची विखुरी का यौने दीप्तिवरी दिवसोपादीप। यदि चंद्रमा के ऊपर, देखो ज्ञानेश्वर महाराज की जो दृष्टांत शैली है उसको समझने के लिए जिंदा दिल चाहिए, जो मुर्दा दिल है उनको नहीं समझ में आ सकता। जिंदा दिल कौन है? कि जिसकी कल्पना शक्ति इतनी अप्रतिम है और जिस कल्पना शक्ति के द्वारा वो अप्रतिपाद्य विषय भी वो प्रतिपादित कर देते हैं, और इस प्रकार से कि अगला चाहे तो भी नहीं उसको भूल सके। जैसे इसका उदाहरण हमारे पूज्य गुरुदेव ने उनकी होली गीता में दिया है, जहां वो कहते हैं कि संत ज्ञानेश्वर महाराज ने वैराग्य का प्रतिपादन करने के लिए
उदाहरण लिए दो चार, और आप सभी लोग तो ज्ञानेश्वरी के दिग्गज है, हमको तो मालूम नहीं ज्यादा। उसमें एक दो जगह लिखा है कि वैराग्य किसको कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बहुत प्यास लग रही हो और वो प्यास के मारे मरा जा रहा हो, और उस समय उसको एक आदमी मिले और जिसके हाथ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया हो तरबूजे के साइज का, और उसमें काफी पस भरा हो, तो वो एक लोटा पस निकाल करके कोई अपनी प्यास बुझाना चाहेगा? अब देखो ये उदाहरण ऐसा है कि आप जिंदगी भर नहीं बोलोगे। उस प्रकार से जगत के कोई भी वस्तु या विषय के प्रति जिसके मन में कभी भी कोई भी अपनी इच्छा पूरी करने की अपेक्षा या आकांक्षा कभी नहीं होती, उसको कहते हैं वैराग्यशाली पुरुष। अब देखो ये ऐसा उदाहरण है कि कहीं भी चले जाओ एकदम याद आएगा वैराग्य है ना। तो यहां अभी 56वें ओवी में कहते हैं, चांदाचिया दोंदावरी, चंद्रमा के चेहरे पर यदि ज्योत्सना का घूंघट ओढ़ा जाए, ज्योत्सना माने चंद्रमा के प्रकाश को ज्योत्सना कहते हैं, तो चंद्रमा के चेहरे पर ज्योत्सना का घूंघट ओढ़ा जाए तो क्या चंद्रमा का सौंदर्य छिप जाएगा? माने क्या चंद्रमा और उसका प्रकाश दो भिन्न बातें हैं? हो तसे चांदनी आची विखुरी काय उणे दीप्तिवरी। क्योंकि नियम क्या है, एक वस्तु को दूसरे वस्तु से ढका जाए तो जो ढकी हुई वस्तु है वो निस्तेज हो जाती है। तो यहां हमने क्या किया है, चंद्रमा के चेहरे के ऊपर में ज्योत्सना का घूंघट ओढ़ा है और इसके कारण चंद्रमा दिखता नहीं। भैया आप क्या करें, ये जैसा असंभव है उसी प्रकार से हम जो शिव शक्ति को नमस्कार कर रहे हैं, तो हमारे नमस्कार करने के कारण हम नमस्कार करने वाले और जिसको नमस्कार हो रहा है यह द्वैत की सिद्धि हो रही है। ये वैसा ही कहना है जैसा कि चंद्रमा के प्रकाश के पीछे चंद्रमा छुप गया। देखो सरकाजम की पराकाष्ठा, चांदाचिया दोंदावरी हो तो चांदनियाची विखुरी काय उणे दीप्तिवरी गिवसोपा। और हमको चंद्रमा पूर्णिमा के रात को इसलिए नहीं दिखता क्योंकि चारों तरफ प्रकाश होता है और इसीलिए वो चंद्रमा प्रकाश के नीचे छुप गया, और इसीलिए यह चंद्रमा और उसका प्रकाश दो बातें हैं। तो ये जैसे असंभव है उसी प्रकार से हमने जो शिव शक्ति को नमस्कार किया और इसके द्वारा द्वैत की सिद्धि हो रही है, ये यदि किसी की समझ में आया हो तो फिर उसको दूर से ही राम राम। और उदाहरण देते हैं, मोतियाची कीळ होय मोतियावरी पांगुळ आगळे निर्मळ रूपाये की। मोती और मोतियों के ऊपर पानी होता है कहते हैं, पता नहीं मैंने तो कभी देखा नहीं। मोतियाचं पानी, जैसा आदमी पर भी पानी होता है ना कि पानीदार डोले, माने हमेशा रोते हुए। तो जैसे मोतियों की माला हो और उस मोतियों को पानी चढ़ाया कोई प्रक्रिया करके केमिकल लगा करके, तो वो मोतियों की माला प्रत्येक मोती का दाना खूब चमचमाने लग गया, तो उस चमचमाहट के कारण वो मोती छिप गया। मोतियाची कीळ होय मोतियावरी पांगुळ और आगळे निर्मळ रूपाये की। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि वही मोती एक बार उसके ऊपर पानी चढ़ा तो उसका सौंदर्य और बढ़ने लग जाता है। उसी प्रकार से अद्वैत में रहकर भी मैं जब शिव शक्ति को नमस्कार कर रहा हूं तो उसके द्वारा, अरे महाराज द्वैत की सिद्धि नहीं हुई, अद्वैत की हानि नहीं हुई, बल्कि ये तो अपने मस्ती का ही आविष्कार है।
और इसीलिए ये जो हमारा नमस्कार है इसमें किसी भी प्रकार की द्वैत की सिद्धि नहीं हो रही है। अब एक उदाहरण और, मात्रा चिया त्रिपुटिया प्रणव काय केला चिरटिया की नकार त्रिरिघेटिया भेदावला काई। ओम में प्रणव में तीन मात्राएं होती है अ उम, क्योंकि इसमें तीन मात्राएं हैं तो क्या हम तीन बातों की बात कर रहे हैं? नहीं, ओम के द्वारा एक ही वस्तु की सिद्धि हो रही है भले उसमें मात्रा तीन हो। दूसरा उदाहरण नकार, जो ट ठ ड ढ ण, उसमें तीन लाइनें होती है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। तो की नकार त्रिरेघटिया, उसमें तीन रेघ माने लाइनें, तीन लाइनें होती है। तो चूंकि उस नकार में तीन लाइनें हैं तो क्या हम कहेंगे तीन प्रकार के ण हो गए? नहीं, भले लाइनें तीन हो लेकिन शब्द का एक ही उच्चारण है। उसी प्रकार से भले मैं नमस्कार करने वाला और शिव शक्ति जिनको नमस्कार किया जा रहा है उसमें भले लग रहा हो कि जैसे न की तीन लाइनें अलग अलग दिखती है, उसी प्रकार से मैं नमस्कार करने वाला और जिनको नमस्कार किया गया है वो भिन्न है, ये एक गलत बात है। फिर सवाल यह आता है कि महाराज आप इस अद्वैतानुभूति में अमृतानुभव में बैठे हुए हो तो क्यों नमस्कार कर रहे हो? आप इसका उत्तर ज्ञानेश्वर महाराज देते, हम नमस्कार कर रहे आप क्यों जल रहे हो? नमस्कार तो हम कर रहे, आपको क्या फर्क पड़ा? ये बात उनके भाषा में कहते हैं, बहुत ही सुंदर विचार है। इस विचार को पढ़ो, देखो कैसी मस्ती आ जाती है। ऐक्याचे मुद्दल न ढळे आणि साजरेपणाचा लाभ मिळे तरी स्वतरंगाची मुकुळे तुरुंबू का पाणी। यदि समुन्दर पर अनेक प्रकार की लहरें उठ रही है और मानो वो प्रत्येक लहर एक सुगंधित पुष्प है और उस सुगंधित पुष्प का यदि ये सागर या समुद्र उसकी खुशबू लेकर के आनंद की अनुभूति करता है जिसमें द्वैत की सिद्धि नहीं हो रही हो तो व्हाट इज रॉन्ग? ऐक्याचे मुद्दल न ढळे, आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो सेफ है, आपके अद्वैत ज्ञान की हानि नहीं होने वाली। और इस स्थिति में आने के बाद अद्वैत की हानि नहीं हो रही है, अद्वैत की हानि न होने के बाद यदि आप द्वैत का नाटक खेल रहे हो और उस नाटक के कारण किसी का मनोरंजन हो रहा हो तो उसमें व्हाट इज द लॉस, क्या प्रॉब्लम क्या है? जैसे हम देखते हैं साधु संत लोग अपने स्वरूप में स्थित है, लेकिन जैसे हम लोगों ने पिछले आनंद मंगल कैंप में देखा था कि मुनिर न व्यामोहम भजति गुरु दीक्षा क्षततमा, जो व्यक्ति अपने अद्वैतानुभूति में निष्ठावान हो चुका है फिर चाहे योग रतो वा भोग रतो वा, व्हाट इज रॉन्ग? यदि वो बच्चों के साथ रह करके बच्चे के जैसी बातें करता है, जवानों के साथ रह करके जवाने की उमंगे दिखाता है और बुढ़ाओं को साथ रह करके उनके जैसा हो जाता है, ये नाटक करने में यदि उसके अद्वैतानुभूति का कहीं भी हानि या नुकसान नहीं होता तो उसके जीवन की सुंदरता तो बढ़ ही गई ना। उसी प्रकार से ये हमारे सबके जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए, ऐक्याचे मुद्दल न ढळे। हम अपने आप को परमात्मा के चरणों पर संपूर्ण समर्पित करते और एक बार ये समर्पण हो गया, और ये समर्पण कैसा है? पब्लिक को दिखाने का नहीं है, ये तो अपनी स्वयं के अनुभूति है। और ये होने के बाद फिर इस जगत में जो जो नाटक करने का काम हमको डायरेक्टर ने दिया है, कृष्णानंद सागर, उसने हमको ये दे दिया है,
कि तुमको पत्नी बनना है तो ठीक है पत्नी बनेंगे, लेकिन ऐसी पत्नी बनना है कि जो ओबीडियंट हो फॉर ए चेंज, ठीक वैसा करना है ना। या यदि ऐसा पति बनना है कि हु इज वेरी ओबीडियंट, तो जो हमको पार्ट खेलने को दिया है उसको बढ़िया से खेलें। लेकिन ये सब होते हुए यदि हमारी दृष्टि उस तत्व पर बनी रहे तो उसके बाद प्रत्येक क्षण में हम द्वैत का नाटक करते हैं। अब देखो नाटक करना माने क्या, नाटक करना माने हमारा जो चरित्र प्रस्तुत करने का तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि अगले व्यक्ति में जो ऑडियंस है उनमें ऐसी भावना निर्माण हो जाए कि असल में कोई जिंदा है या मरा है या झगड़ा कर रहा है। देखो हम लोग जब महाभारत देखते थे, आप सभी ने देखा है, दो प्रकार से, आपके घर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टीवी की कर रहा हूं। तो जो टीवी का महाभारत है उसमें जब भी शकुनी आता था तो जितने भी ऑडियंस के लोग थे एकदम कुछ ना कुछ सब में हो जाता था ना। तो क्या जिसने ये शकुनी का पार्ट किया है क्या वो व्यक्ति इतना खराब है? नहीं, लेकिन उसका वो नाटक में अपने आप को प्रस्तुत करने का तरीका इतना परफेक्ट था कि जानते हुए कि ये केवल नाटक मात्र है असलियत में, फिर भी उसको देख करके गुस्सा आता था। उसी प्रकार से यहां भगवान ज्ञानेश्वर महाराज बताते हैं ऐक्याचे मुद्दल न ढये, हम अपने इस कन्हैयालाल के चरणों में समर्पित रहे, उसमें कभी भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं। और उसके बाद साजरेपणाचा लाभ मिले, हमसे हे हो नहीं, व्हेन द वाइफ स्टार्ट प्रेजिंग द हस्बैंड्स, पहले हमको ये भाषा समझ में नहीं आती थी कि हमसे हे हो, आई सेड यू आर टॉकिंग ओनली इन सर्वनाम, देर इज नो क्रियापद, देर इज नो विशेषण। तो कृष्णा, तो यदि हम अपने अद्वैत का त्याग न करके जो जो हमको कार्य करने को भगवान ने बताया है वह कार्य यदि हम बड़े प्रेम से और बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं तो उसमें हमको कभी भी हानि नहीं हो सकती, ना तो अपने अपने अद्वैतानुभूति की ना तो जगत की। अब जरा इसको ठीक से समझ ले, हमको जब इस जगत में रहना है तो सापेक्षता का व्यापार करना पड़ता है। सापेक्षता का व्यापार माने रिलेटिव बिहेवियर, वी हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड अंडर द स्पेल ऑफ रिलेटिविटी, देयर इज नो चॉइस। यदि हम इस सापेक्षता के व्यवहार में कुशलता प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? व्हेन यू आर इन रोम बिहेव लाइक नॉट इंडियंस, इज़न्ट इट। तो जहां जिस समाज में है, जिस समाज की जैसी धारणाएं हैं, उसके साथ हो करके किसी के भी साथ अच्छे बुरे के चक्कर में पड़ने के बजाय एक स्पष्ट समझ ले भगवान का जो आदेश है भगवत गीता का, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो अनित्याः तान्ति दीक्षस्व भारत। प्रत्येक जो जो हमारे जगत में जिसके भी साथ व्यवहार होते हैं वो हमेशा नहीं रहते, थोड़े देर के लिए रहते हैं। तो जब तक किसी के भी साथ रहना है प्रेम से रह लो, और प्रेम से रहना माने झूठ मूठ की सत्य बुद्धि दिखाना। प्रेम करने की कोई आवश्यकता नहीं किसी के साथ, जताओ सी आई वॉज रियली मिसिंग यू। यदि एक शब्द कहने से किसी को आनंद होता है तो क्यों ना कहे? देखो हम इंडियन लोगों में एक बहुत कमी है,
वो ये है कि हम तो अपने पति पत्नियों से प्रेम करते हैं, उसमें कोई शंका नहीं। एक हाथ बार कह देने में क्या फर्क पड़ता है? करेंगे हम उनके लिए सब कुछ, लेकिन एक शब्द मुख से नहीं निकलेगा उनके सामने कि सी बिकॉज ऑफ यू आई एम एबल टू रियली लिव हैप्पीली। एक बार कह दो, देखो कितना फर्क पड़ता है। बट आई हैव नेवर सेड दिस थिंग, देन बिकॉज यू डोंट लव, ऐसा कहो ना बिकॉज यू डोंट लव, इमीडिएटली आदमी की आंखों से पानी टपकना शुरू हो जाता है। स्वामी जी अस नहीं, व्हाई डोंट यू से द सेम वर्ड्स टू द वाइफ? प्रेम करना और प्रेम की अभिव्यक्ति होना दोनों की आवश्यकता है। प्रेम करना यह अद्वैतानुभूति है, और अपने प्रेम की योग्य प्रकार से योग्य समय में योग्य शब्दों में योग्य मात्रा में अभिव्यक्ति करना, यह है साजरेपणाचा लाभ मिले। ये बहुत आवश्यक है जीवन में। हमने आपको बताया था कि एक बार हमको कोई अम्मा ले गए उनके कार में, गवर्नमेंट की कार थी, बड़े पब्लिक अंडरटेकिंग के डायरेक्टर थे उनके पति, तो उनके कार इतनी बढ़िया रखी हुई थी। अब अभी भी याद है हमको, अम्मा वो कार और वो ड्राइवर तीनों, और जब हम उतरे नीचे कार से तो हम गए उसको थोड़ा पैट किया और उसको कहा कि हे तुम्हारी कार बढ़िया है, बहुत अच्छी मेंटेन रखी है, तुम हमेशा ऐसी रखते हो क्या? बढ़िया है। इतना कहा और हम चले गए, और जब हम अंदर गए तो वो अम्मा आंखों में आंसू लेकर के बैठी। अम्मा आपको क्या हो गया? बोले स्वामी जी हम ये कब कर सकेंगे? क्या करना है बताओ, रोना? बोले नहीं, ये आपने ये जो ड्राइवर को कहा ये कहने की मेरे मन में इच्छा पिछले एक साल से थी, लेकिन मुख से शब्द नहीं निकलते। हाउ कैन आई से दिस थिंग टू अ ड्राइवर? आफ्टर ऑल ही इज सपोज टू बी। देखो जैसे किसी के भी दोष निकालते समय हम बड़े दिलदार होते हैं, है ना? किसी की अच्छाई बोलना यदि आ जावे तो ऐक्याचे मुद्दल न रहे और सादरेपणाचा लाभ मिले तरी स्वतरंगाची मुकुळे। और यही फिर हमको इस जगत में जो हम जगत को देते हैं वही हमारे पास वापस आता है। देखो एक सिद्धांत जगत का ऐसा है, गर्मी के दिनों में आपके बच्चे लोग कैरम खेलते होंगे ना, उसमें एक होता है रिबाउंड। तो जितने ताकत से मारेंगे उतने ही ताकत से वो वापस आएगा। यदि ऐसे मारा कि बड़े मुश्किल से जाकर के फंस फट गया, इट विल नॉट कम बैक। उसी प्रकार से इस जगत में हमने जिस प्रकार का व्यवहार किया है उसी प्रकार का व्यवहार संपूर्ण जगत हमारे साथ करता है। देखो इस सिद्धांत को ऐसे समझ ले, समझो हमने एक अमुक व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार किया, इसका अर्थ ये नहीं करना कि वह व्यक्ति हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे। यदि हमने किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया और वो व्यक्ति भी हमारे साथ अच्छा ही व्यवहार करे, ये करना जीवन में माने हम कर्म फल के बंधन में आ गए, तो ये तो अपेक्षा नहीं करनी है। फिर सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हम जो इस जगत में अच्छाई का व्यवहार करते हैं, भले वही व्यक्ति जिसके साथ हमने अच्छाई का व्यवहार किया हो वो हमारी भले अच्छाई के साथ वापसी ना करे, लेकिन हमारी अच्छाई कभी भी बुराई के रूप में हमारे सामने नहीं आ सकती। ये सिद्धांत है। और यदि हम किसी का बुरा करें
और वो व्यक्ति को हमारा बुरा करने की क्षमता ना हो तो हमको लगता है बट वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। अरे महाराज वो नहीं बिगाड़ लेगा, लेकिन बिगाड़ने वाला बैठा है कहीं ना कहीं। और इसीलिए ये सिद्धांत यहां बताता है ऐक्याचे मुद्दल न रहे, जिस प्रकार से जरा ध्यान से सुनना, अच्छा विचार आया है, जिस प्रकार से हम अपने साथ प्रेम करने में नहीं थकते। हम कभी कहते हैं कि आई एम टायर्ड ऑफ माई सेल्फ, नो, क्योंकि हमारा अपने साथ प्रेम स्वाभाविक है। तो यदि हम अपने स्वाभाविक प्रेम को इंटैक्ट रखते हुए संपूर्ण जगत के साथ उसी प्रेम के व्यवहार में रहेंगे तो हमारा ये जो प्रेम का मुद्दल है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमको कैपिटल पनिशमेंट मिलेंगी। यू नो द कैपिटल पनिशमेंट, वन वेरी गुड बुक। इसीलिए तरी स्वतरंगाची मुकुड़े तुरुम्बू का पाणी। और इसीलिए इस जगत में रहते समय प्रेम का व्यवहार करके सबके साथ आदर से रहना, माने जीवन मुक्ति का आनंद लूटने का प्रयत्न करना। Try to enjoy the bliss of a जीवन मुक्त is to live in this world in an atmosphere of love and reverence 24 hours. ये कैसा किया जाए, इसके लिए हमारे भागवत को पकड़ो। भागवत माने श्रीमद् भागवत महापुराण। नहीं तो किसी भागवत को ले आएंगे और वो भागवत है भागवत, जो भागते रहता है वो भागवत। तो उसमें बताते हैं परमात्मा की अभिव्यक्ति जब हमारे द्वारा संपूर्णता से होने लग जाती है तो वो इस प्रकार से होती है। किस प्रकार से? बड़ों के प्रति नित्य रूप से आदर की भावना अपने अंतकरण में, परमात्मा के प्रेम का आविष्कार पहली। दूसरी, अपने से जो छोटे हैं उनके प्रति दया, सहानुभूति, क्षमा, इस भाव से चलना, इस भाव की अभिव्यक्ति परमात्मा के प्रेम की अभिव्यक्ति है। और जो अपने जैसे होते कॉन्टेम्पररीज, उनके साथ मित्रता की भावना रखना, ये तीन प्रकार के व्यवहार जब हमारे जीवन की नींव बन जाती है तब हमने इसको समझा ऐक्याचे मुद्दल न रहे। जो प्रेम की अनुभूति हमारे अंतकरण में 24 घंटे बैठी है वही प्रेम की अभिव्यक्ति बड़ों के साथ, छोटों के साथ और अपने जैसे उनके साथ जब होने लग जाएगी तब यह अद्वैतानुभूति का आनंद जो जीवन मुक्त के जगत में या जीवन में द्वैत में रहते हुए भी अद्वैत की हानि न होने देना, यही जीवन मुक्ति की सुंदरता है। मनो न, भगवान कहते मनो न भूतेश आणि भवानी न करोनी सिनानी मी निघालो न मनी तेहे ऐसे। और इसीलिए मैंने शिव शक्ति को जो नमस्कार किया है, शिव शक्ति का नमस्कार करना माने किसी भी प्रकार के द्वैत का अस्वीकार करना। देखो ध्यान का अभ्यास करते समय तीन चार परेशानियां आती हैं। स्थूल परेशानियां तो हम सबको मालूम है, एक परेशानी ये है कि जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तब हमारा स्थूल शरीर सहाय नहीं देता, यहां दर्द वहां दर्द, इधर से टेका उधर से टेका, संभव बैठे। दूसरी बात होती है हमारी हेल्थ। तीसरी बात होती है हमारा मन, उसमें अनेक विक्षेप आएंगे। समझो ये सब पूरा कर लो, आखिरी बात जो सबसे कठिन है
कौन सी, कि हमको ध्यान करना है और मैं ध्याता हूं और परमात्मा जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वो कहीं बांबू के पेड़ पर बैठा हुआ है। अवधूत गीता में ये विचार आता है कि हे भगवान, हमने आपके तीन अपराध किए, हमको क्षमा कर देना। कौन से तीन अपराध? हम आपके दर्शन के लिए तीर्थ क्षेत्रों में घूमे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और ये करके हमने आपके सर्व व्यापित्व का तिरस्कार किया है। हे भगवान, आपके इस तिरस्कार के लिए हमें क्षमा कर दो। देखो कितनी श्रेष्ठ प्रार्थना है। हे भगवान, हमने आपकी बड़े बड़े शब्दों के द्वारा स्तुति करी है और ऐसा करके हमने आप जो वाचा के परे है, वैखेरी गेली परेसी, जो आप किसी भी वाणी का विषय नहीं बन सकते, ऐसा होते हुए भी हमने धृष्टता करके आपके बारे में बोलने के लिए स्तोत्र रचे, इसलिए भगवान हमको इस दूसरी गलती के लिए क्षमा कर दो। देखो तो पहली गलती स्थूल शरीर को लेकर के, दूसरी गलती ये सूक्ष्म शरीर को लेकर के बोलने की, तीसरी गलती हम हमेशा ध्यान का अभ्यास करके आपको प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और भगवान इसके द्वारा हमने आपको अपने से अलग कर लिया है। जब हमने ही अपने आप को आपसे अलग कर लिया है तो हे भगवान, आप चाहो भी तो हमारे पास कैसे आओगे? क्यों? कि हमने ही आपका तिरस्कार किया है। इन तीन तिरस्कारों के लिए भगवान हमको क्षमा कर दे रहा है। देखो इसीलिए भगवान कहते हैं, मनो न भूतेश भवानी न करोनी शिनानी। इसीलिए हमने भूतेश भवानी शिव शक्ति जी को उनसे अलग रह करके नमस्कार नहीं किया है। मी निघालो नमनी ते हे ऐसे, तो हमने जो नमस्कार किया है उस नमस्कार करने में द्वैत की भावना नहीं है, इस नमस्कार में द्वैत की सिद्धि का प्रतिपादन नहीं है, इस नमस्कार में कहीं भी अद्वैत तत्व के हानि का प्रसंग नहीं है, तो ऐसा हमारा नमस्कार कैसा? फिर वो एक दो उदाहरण देते। मुझे लगता है ज्ञानेश्वर महाराज की प्रॉब्लम वालों में क्या होगी, उनको मालूम तो था ही कि 21 साल में अपन को तो भैया सिनेमा खत्म करना है, उनको मालूम था। अब उनके पास इतना अनंत ज्ञान, अब वो यदि किसके पास इतनी अनंत शक्ति हो तो उसका प्रदर्शन ना करे तो कैसे अच्छा लगेगा? तो फिर क्या करो, एक एक चीज के लिए एक दो उदाहरणों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा सिखाया जा सकता है, वहां उन्होंने दर्जनों दे दिए, चलो यही अपनी तसल्ली कर ले। अब एक्सेप्ट वे ओवी में कहते हैं, दर्पणाचे नी त्यागे प्रतिबिंब बिंबी रिघे का बुड़ी दीजे तरंगे वायु सा ठेला। दर्पणाचे नी त्यागे प्रतिबिंब बिंबी रिघे, ये बड़ा सूक्ष्म विचार है। दर्पण माने आईना, उसके सामने हम खड़े हैं तो हमको अपना प्रतिबिंब आईने में दिखता है। अब ये प्रतिबिंब का आधार क्या है? अब सवाल ये है कि हम उसको किस दृष्टि से देखते हैं। प्रतिबिंब का आधार है, जब तक के आईना नहीं होगा तो कैसे प्रतिबिंब होगा? तो ठीक है, वहां आईना रख दो, उसमें है कि आपके चेहरे का प्रतिबिंब नहीं, क्योंकि जब तक बिंब नहीं होगा प्रतिबिंब कहां से आएगा? अच्छी बात है जी, यदि आईने को वहां से हटा दिया जाए तो जब आईने को हटा दिया तो आईने के साथ प्रतिबिंब चला गया क्या? नहीं जी, ऐसे कैसे होता है? फिर प्रतिबिंब गया कहां? आईने के साथ तो नहीं गया, नहीं गया,
तो फिर कहां गया? तो हमको यही कहना पड़ेगा कि वह प्रतिबिंब बिंब में चला गया। माने विशेष उपाधि का जब स्वीकार हमारा बिंब चेहरा करेगा तब प्रतिबिंब की सिद्धि होती है ना। अब जब शुद्ध चैतन्य द्वैत के उपाधि का स्वीकार करती है तब कहीं जाकर के जगत के व्यवहार की सिद्धि होती है। तो ये द्वैत के उपाधि का जब तिरस्कार करेंगे, द्वैत की कौन सी उपाधि रही? द्वैत की उपाधि ये रही कि मैं नमस्कार करने वाला और शिव शक्ति जिनको नमस्कार किया जा रहा है वो। तो यह उपाधि का जब त्याग होगा, जैसे दर्पण के उपाधि का त्याग होने के बाद उसी के साथ जो प्रतिबिंब था वो बिंब में समा गया है, उसी प्रकार से इस अद्वैतानुभूति में रह करके जब हम नमस्कार करते हैं, जब हम प्रतिबिंब को देखते हैं आईने में, तो ऐक्याचे मुद्दलन ढये, हम ज्यों के त्यों रहते और साजिरे पणाचा लाभ मिले, मी कितनी सुंदर है, आई एम नॉट सीइंग देयर, डोंट वरी। सो यदि ऐसा हो रहा हो तो उसमें क्या हानि है? इसीलिए दर्पणाचे नि त्यागे, जहां हमने किसी भी उपाधि के कारण जो एक विशेष परिस्थिति निर्माण हो जाती है उस उपाधि का यदि त्याग कर दे, तो कौन सी उपाधि है? एक ही आखिरी उपाधि हम सबको परेशान करती है और वो द्वैत की उपाधि। तो द्वैत की उपाधि निकलने, उपाधि से निकलने के हम आपको दो टेक्निक बता दें, ध्यान से सुनना। जगत के साथ जब व्यवहार करना है तो टेक्निक है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, बस सिय राममय सब जग जानी, तुलसीदास जी की भाषा में यह संपूर्ण जगत मेरे लिए सिया राम है और इसीलिए मैं सबको हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूं। ये अद्वैत सिद्धि का मार्ग जब हम द्वैत में रहते हैं तब। और दूसरा जो मार्ग है, जब हम अपने साथ रहते हैं तब क्या मार्ग है? तब अपना श्रवण मनन निधिध्यासन दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि, फिर शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि, फिर ये होते होते निर्विकल्प समाधि, और उसके बाद भगवान अपने आप अगली बात कर लेता है। ये पांच बातें व्यक्ति को अपने जीवन में साधना के रूप में करनी पड़ती है। जो श्रवण किया है उसके ऊपर योग्य प्रकार से मनन होने के बाद क्या हमारी बुद्धि एक ही तत्व का निरंतर चिंतन कर सकती है? जैसे मैं आदमी हूं, मैं पशु नहीं हूं, या मैं पुरुष हूं मैं स्त्री नहीं हूं, या मैं ब्रह्मचारी हूं मैं गृहस्थ नहीं हूं, या मैं भारतीय हूं अभारतीय नहीं हूं, इसके बारे में हम सबकी निधिध्यासन की अवस्था है। हमको कभी भी एक क्षण के लिए भी इसकी विस्मृति नहीं होती कि स्थूल शरीर को लेकर के मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं। जैसे समझो रात को सोए बच्चों के साथ, चार छह बच्चे इकट्ठे करके सो गए। एक बार हम थे एक जगह में, किसी के यहां नहीं जा पाए कई दिनों से, तो उनके बच्चे हमको घेराव करने के लिए आए, चार छह बच्चे थे छोटे छोटे। स्वामी जी आज तो हम आपको अपने घर लेके ही रहेंगे चाहे जो हो जाए। तो हमने कहा हम तो आज के यहां आपके आने ही वाले थे, बेचारे इतना जोश से आए थे, हम चले गए उनके यहां और फिर खूब खाना बिना खाया और हमने कहा भाई अब हमको जाने दो। बोले आपको जाने कौन देगा, आपको तो आज हमारे ही घर में सोना है, यू आर कमिंग फॉर द ओवरनाइट स्टे।
तो मैंने ठीक है फिर हमारा कमरा कहाँ है, बोले कमरा कहाँ मिलेगा। तो हमने क्या खड़े खड़े सोएंगे, बोले नहीं आप बीच में सोएंगे, इधर से तीन इधर से तीन। अब जब हम उन बच्चों के साथ सोए तो सुबह जब उठे तो हमको ये भ्रांति नहीं हुई अरे हम भी बच्चे बन गए, नहीं हम जो पहले जैसे मूर्ख थे वैसे बाद में भी कोई फर्क नहीं, मूर्खता एज इट इज। यह जो हमारी अपने व्यक्तित्व को लेकर के एक तानता है वृत्ति की, उसको कहते निधिध्यासन। निधिध्यासन माने ध्यान करना नहीं है। तो जब हमने श्रवण किया, मनन किया, और मनन होने के बाद नित्य रूप से इस एक तत्व के प्रति हमारे विचारधारा अखंड रूप से समर्पित है, तब हम निधिध्यासन की अवस्था में आए। अब ये निधिध्यासन की अवस्था में आने के बाद फिर जो हमारी अवस्था है उसको कंसोलिडेट करना है, उसको कंसोलिडेशन करने के लिए पहले सविकल्प समाधि का अभ्यास। और इसीलिए रोज कम से कम 15 मिनट, हाफ एन आवर, वन आवर यू हैव टू स्पेंड ऑल बाय योर सेल्फ विदाउट एनीबडी अराउंड एंड सिट क्वाइटली। और ये जो जितना सविकल्प समाधि का अभ्यास होगा, जितने भी पूर्व जन्म के संस्कार इत्यादि है, वो सभी के सभी इस समाधि के अभ्यास में भर्जित बीजवत, भर्जित बीजवत माने लाइक रोस्टेड सीड्स। रोस्टेड सीड में क्या होता है कि उसमें खाने की या न्यूट्रिशियस जो वैल्यू है वो तो वैसी की वैसी रहती है, लेकिन उसको आप यदि फिर जमीन में बो तो उसमें से पेड़ पौधा नहीं निकलता। उसी प्रकार से यह सविकल्प समाधि के अभ्यास के समय में जितने भी अच्छे बुरे विचार आते हैं वो निकल जाते हैं और उतना अंतकरण हल्का हो जाता है। और ये जितना साल तक चलता रहेगा, धीरे 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 अंदर का सब प्रेशर निकल गया और फिर धीरे धीरे निर्विकल्प समाधि की तरफ साधक बढ़ने लग जाता है। तो ये दो बातें, जगत के साथ रहते समय ईशावास्तव इदम सर्वम, एक ही विचार सबके साथ प्रेम से, प्रत्येक व्यक्ति हमारे जीवन में भगवान का ही रूप है, इसको जबरदस्ती से पकड़ के रखो। और जब हमको अपने साथ रहना है तो अपना धारणा ध्यान का अभ्यास, ये दो जब बातें होती रहेगी तब हम ये 61वें श्लोक के पहले लाइन को समझे, दर्पणाचे नी त्यागे। तो जो हम इस दुनिया में राग द्वेष की उपाधि लेकर के शत्रु मित्र के साथ व्यवहार करते हैं, इस राग द्वेष के उपाधि का तिरस्कार करना, शत्रु मित्रों को समाप्त करना, माने सब में एक ही भगवान को देखने का प्रयत्न करना है। ये जब होता रहेगा तब कहीं हमने उस दर्पण का त्याग किया है जिसमें प्रतिबिंबित हमारा प्रतिबिंब अपना अस्तित्व बिंब से भिन्न मानता था। फिर हमारा ये जो सूडो पर्सनालिटी का व्यक्तित्व था, फिर ये अपने आप अपने स्वरूप में धीरे धीरे मर्ज होने लग जाया। जैसे कठोपनिषद में आता है, ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, इस शरीर में दो व्यक्तित्व है और दो में से एक सुकृतस्य ऋतम पिबंती पिबती, जो हमने पहले जन्म में अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसके कर्म फल को भोगता है, लेकिन दूसरा है जो इस कर्म फल के भोग को प्रकाशित करता है लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये बात मुंडकोपनिषद में दूसरे प्रकार से कही है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशेष्व जाते। तो दो प्रकार के पक्षी एक ही पेड़ पर बैठे हैं, उसमें से एक फल को चूकता है, कर्म फल को, सुखी दुखी होता है, और दूसरा पक्षी किसी भी फल को स्पर्श नहीं करता। और इसीलिए अपने ही सौंदर्य में अभिचा कशी थी, अपने मस्ती में रहता है। उसी प्रकार से यह जो परिच्छिन्न व्यक्तित्व साधक
और इस परिच्छिन्नता की भ्रांति को आधार देने वाला जो परिपूर्ण तत्व मैं, इन दोनों में जो द्वैत की भ्रांति हुई है उस भ्रांति को मिटाने के लिए ये दो तरीके हैं। एक तो जगत के साथ रहते समय राग द्वेष के व्यवहार को समाप्त करने के लिए उस चक्कर में पड़ेंगे कि हम सबसे प्रेम करेंगे तो नहीं होगा, प्रेम करने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि आदमी प्रेम में पड़ते हैं, उसके चक्कर में मत पड़ो। फिर क्या करो, सब में भगवान को देखना शुरू करें। यदि भगवान को देखना शुरू करेंगे तो अपने आप सबके प्रति आदर की भावना होगी। प्रेम से भी ज्यादा महत्व जीवन में होता है आदर की भावना का, और यदि हमारे अंतकरण में नित्य रूप से आदर की भावना बनी रहेगी तो हमारे मन में कभी भी बुरे विचार या कभी भी अपने प्रति हीनता की भी भावना नहीं आएगी। जब हम अपने गुरु के सामने जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, तो अपने आप को हम लोग कमी नहीं समझते। वो तो एक आदर होता है कि हम तो इतने लकी हैं कि गुरुदेव के साथ उसी टेबल पर उन्हीं के थाली से खाए हैं, उसमें कोई अपमान की थोड़ी बात है। उसी प्रकार से दर्पणाचीनी त्यागे प्रतिबिंब बिंबीर घे, अपना जो परिच्छिन्न व्यक्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा उदाहरण, का बुड़ी दीजिए तरंगे वायु ऊंचा ठेला का, या दूसरा उदाहरण बताते हैं कि जैसे वायु ऊंचा ठेला, जब पवन का बहना बंद हो गया, जब वायु का बहना बंद हो गया तो वायु के कारण समुन्द्र पर जो लहरें उठ रही थी वो लहरें कहां गई, तो वो अपने ही जहां से उठी थी उसी में वो समाप्त हो गई। उसी प्रकार से जहां से ये द्वैत की प्रतीति उग रही थी वहीं यह राग द्वेष का वायु जहां समाप्त हो गया, तो वहां द्वैत का ये जो भ्रांति रूपी अनुभव है वो वहां के वहां शांत हो गया। देखो, एक बार हम अपने आश्रम में जा रहे थे, क्लास में कुटिया से निकले और सरस्वती निगम जा रहे थे, तो ऊपर जब हमने देखा तो सब पेड़, और अभी मौसम के कारण बहुत पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ ऐसे खड़े हैं एकदम बिना पत्तों के। तो एक पत्ता आकर के ऐसा घूम घूम के आया, नीचे गिरा, तो उस समय हमारे मन में क्या विचार आया, विचार ये आया, ये पत्ते का गिरना ये किसका प्रारब्ध कहेंगे हम? क्या इस पत्ते का जीवन पेड़ के सिवा हो सकता है? पत्ते का टूटना माने क्या पेड़ की हानि है? बस इस प्रश्न को लेकर के हमारे दिमाग में विचार शुरू हो गए। अब ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यश्च पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित्। यह जो जगत रूपी वृक्ष है, यह जो परमात्मा रूपी वृक्ष है, सच्चिदानंद कंदाय जगदंकुर हेतवे, इस जगत के अंकुर का जो हेतु कारण है, या यह जो संपूर्ण सृष्टि रूपी जो जगत है उसमें हम सब लोग एक एक पत्ता, एक एक फूल, एक एक फल इसके जैसे लटके हुए हैं। और ये जब समय आएगा तब पत्ता पीला होगा, गिर पड़ेगा, गिर पड़ने का उस पत्ते का क्या होगा, फिर वो जाके सड़ेगा, फिर मिट्टी बनेगी, और फिर उसी मिट्टी में से वही पेड़ फिर अपने द्रव्य को खींचेगा और फिर ऊपर जाकर के फिर एक नया पत्ता निकलेगा। इसमें ना तो कभी कोई मरा है, ना तो कोई कभी पैदा हुआ है। उसी प्रकार से यह अनंत काल से इस सृष्टि का जो व्यापार चल रहा है वो एक ही तत्व में अनेकता का रूप लेते हुए चल रहा है, और इसमें हम ना तो कुछ कर सकते हैं ना तो कुछ करने की आवश्यकता है। बस जिस प्रकार से समुद्र की लहर अपने आप में समा जाती है समुद्र में, उसी प्रकार से आनंदाचे डोही आनंदी तरंग।
हम सभी के सभी उसी एक परमात्मा की अभिव्यक्ति है। जहां हमारी दृष्टि उसकी तरफ गई और एक बार उसको पकड़ लिया कि अपनी असलियत क्या है, उसके बाद इस दुनिया में वैसे ही रहे। जानन अपि ही मेधावी जड़वत लोकम आचरे, कोई निंदो या कोई वंदो, क्या फर्क पड़ता है। ना तरी नींद जात खेवो पावे आपुला ठावो, तैसी बुद्धि त्यागे देवी देवो वंदिली मिया। देखो ज्ञानेश्वर महाराज ने जिन शब्दों से शुरू किया था उसी शब्दों में अब समापन कर रहे हैं। कहते हैं ऐसी ई निरुपाधिके जगाची जिए जनके तिये वंदिली मिया मूलिके देवो देवी। यहां भी कहते हैं ना तरी नीत जात खेवो पावे आपुला ठावो, तैसी बुद्धि त्यागे देवी देवो वंदिली मिया। हमारे शास्त्र की भाषा में इसको कहते हैं उपक्रम उपसंहार एकता प्रतिपादन। हरिदासा जी कथा मूल पदावर दिस इज। तो पहले पांच श्लोकों में जो नमन किया था संस्कृत में उसका उन्होंने ओवी के पहले ओवी में बताया और फिर आखिरी में बताते हैं। ना तरी नींद जात खेवो पावे आपुला ठावो, जहां हमने नींद की उपाधि को त्याग दिया है तो हम अपने आप को फिर पा लेते हैं। उसी प्रकार से तैसी बुद्धि त्यागे, उसी प्रकार से मैंने ये जो परिच्छिन्नता की बुद्धि को स्वीकार करके मैं नमस्कार करने वाला और शिव शक्ति वो जिनको नमस्कार किया जा रहा है, ऐसे परिच्छिन्नता के बुद्धि का मैंने त्याग कर दिया। तो तैसी बुद्धि त्यागे मिया देवो देवी वंदिनी, मैंने इस शिव शक्ति को वंदन किया है, माने अब मुझे ये भ्रांति नहीं है कि मैं नमस्कार करने वाला और मेरे जो दैवत है शिव शक्ति वो कोई भिन्न है। इस प्रकार से उन्होंने नमस्कार की प्रक्रिया बताई। सांडूनी मी पणाचा लोभू मिठे सिंधुत्वाचा घेतला लाभू, देवी अहम देवनी मी शंभु शांभवी जालो। कितने प्यारे शब्द हैं। जब ज्ञानेश्वर महाराज स्वयं कहते होंगे ये शब्द कितना आनंद होगा। सांडूनी मी पणाचा लोभू, अपने मैंपन का जो एरोगेंस वैनिटी उसको मैंने सांडूनी फेंक दिया और मीठे सिंधुत्वाचा घेतला लाभू, एक नमक का डल्ला था अपने आप को सबसे अलग कर कर रखता था, बाकी तो कोई भी रस हो लेकिन नमक के सिवा किसी में परिपूर्णता नहीं, वो नमक मैं हूं कड़ा। और उस नमक के क्रिस्टल ने अपने व्यक्तित्व को त्याग दिया। किसमें? क्योंकि उसने सोचा जरा देख लूं, मैंने सुना है समुन्द्र भी नमकीन होता है लेकिन मुझे मालूम है नमकीन तो मैं हूं, जरा देख तो लूं कितना नमकीन है समुन्द्र, मेरे से ज्यादा है। और ऐसा करके ये नमक का डल्ला निकला और उसने छलांग लगाई चौपाटी पे, तो मीठे सिंधुत्वाचा घेतला लाभू। तो जैसे इस नमक के डल्ले ने समुद्र में छलांग लगाई तो उसने अपने व्यक्तित्व का त्याग किया और संपूर्णता के साथ एक हो गया। उसी प्रकार से देवी अहम देवनी मी शंभु शांभवी जालो, इस प्रकार से मैंने अपने अहम का त्याग करके माने मैं नमस्कार करने वाला और जिसको नमस्कार किया गया है वो शंभु शांभवी, ये दो है। इस प्रकार से द्वैत की बुद्धि एक क्षण भी मेरे अंतकरण में नहीं है।
तेवी अहम देवनी मी शंभु शांभवी जालो। तो पहले मी शंभु जालो, देखो महाराज हमको पहले अपने पंचकोशों का त्याग करके अपने स्वरूप के पास पहुंचना होता है, और वहां हम पहुंचे कि नहीं इसकी क्या गारंटी है? इसकी गारंटी यह है कि शांभवी जागृत हुई कि नहीं हुई। शांभवी को जागृत करना माने हमारी जो तीन शक्तियां है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति, यदि हम शंभु बन गए हैं तो ये जो तीन शक्तियां है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ये जागृत हुई कि नहीं हुई। किसी ने कहा कि भाई हम तो पति बन गए, अच्छा जी कौन है आपकी पत्नी? बस वही कमी है, बाकी सब ठीक है। कोई कहे कि हम शंभु महाराज बन गए और एक भी शक्ति की जागृति नहीं हुई, ना तो हमारी इच्छा शक्ति जागृत हुई है। इच्छा शक्ति की जागृति माने संतो एक भी इच्छा का न उगना, उसको कहते इच्छा शक्ति की जागृति। फिर क्रिया शक्ति की जागृति, क्रिया शक्ति की जागृति माने किसी भी कर्म करने में या न करने में दुराग्रह न होना, उसको कहते हैं क्रिया शक्ति की जागृति। और ज्ञान शक्ति की जागृति माने अपने आप को परिच्छिन्न न स्वीकारना, उसको कहते हैं ज्ञान शक्ति की जागृति। ये तीन शक्तियां यदि हो गई जागृत तब कहीं तेवी अहम देवनी शंभु झालो शांभवी झालो। इस प्रकार से आखिरी ओवी में कहते हैं भगवान शिव शक्ति समावेशे नमन के ले म्या ऐसे रंभा गर्भ आकाशे नृघाला जैसा। रंभा गर्भ माने ये जो केले के पेड़ होते हैं वो केवल पत्ते के जो डंठल होते हैं उसी से उसका ट्रंक बना होता है, और इसीलिए चारों तरफ से एक वो डंठल ने ढक लिया, फिर उसके अंदर दूसरा डंठल, फिर उसके अंदर तीसरा डंठल, और यदि उसको एक एक को निकालते जाओ तो अंदर कुछ मिलेगा। हाँ जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा? रंभा गर्भ। और रंभा गर्भ माने आकाश। तो क्योंकि अंदर में ही आकाश है, इन दोनों लेयर्स में भी आकाश है और चारों तरफ आकाश है। यदि आकाश नहीं होगा तो ये केले का पौधा या पेड़ कहीं नहीं रह सकता। उसी प्रकार से एक ही शुद्ध चैतन्य जिसने सभी उपाधियों का उपाधियों को आधार दिया है, वही एक शुद्ध चैतन्य जहां हमने परिच्छिन्नता की उपाधियों को इस केले के पेड़ के जैसे एक एक को खींच करके निकालना शुरू कर दिया। पहली साल निकाल दी स्किन, अन्नमय कोश का त्याग कर दिया, और फिर दूसरी चमड़ी खींची प्राणमय कोश को निकाल दिया, फिर तीसरी मनोमय कोश को हटा दिया, फिर चौथी ये विज्ञानमय कोश, और पांचवी आनंदमय कोश। और वहां जहां पहुंचे तो पता चला अरे हम तो सोचे हम पहुंचे हैं लेकिन हम तो पड़े वहीं उताने जहां हम बैठे थे दीवाने, वहीं बैठे ना तो कहीं जाना है ना तो कहीं आना है। इसीलिए शिव शक्ति समावेशे, शिव शक्ति के एकत्व के प्रतिपादन के बहाने, देखो ध्यान करने की जो अनेक प्रक्रियाएं है उसमें दो तीन प्रक्रियाएं ये होती है। एक जगत का चिंतन करो, तो जगत का चिंतन अशास्त्रीय रीति से करेंगे तो संसारी बनेंगे, उसी जगत का चिंतन शास्त्रीय पद्धति से करो तो उसी जगत में परमात्मा की प्राप्ति होगी। उसके बाद अपने अनुभव,
पहले एक्सपीरियंस्ड की बात हो गई, दूसरी बात एक्सपीरियंस की बात। यदि हम अपने अनुभवों का चिंतन अपने अज्ञानी ढंग से करेंगे तो हमेशा दिल टूटा रहेगा, कभी भी दिल जुड़ेगा नहीं और हमेशा हम संसारी बने रहेंगे। और यदि हम परीक्ष लोकान कर्मजितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात्, यदि हम अपने ही अनुभवों की योग्य प्रकार से परीक्षा करें, उसका अनुसंधान करें, तो पता चलेगा निर्वेदमायात्, हमको इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति वस्तु अनुभूति के प्रति अपने आप वैराग्य आने लगेगा, उसके द्वारा भी परमात्मा की प्राप्ति होती है। और तीसरी बात होती है कि जो अनुभव करने वाला है तो एक्सपीरियंस्ड की दो प्रकार से विचारधारा, एक विकारात्मक दूसरी विचारात्मक। विकारात्मक माने जगत में आसक्ति निर्माण होना और विचारात्मक माने आसक्ति का त्याग होने की प्रक्रिया, उसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति जगत में होगी। दूसरी परमात्मा की प्राप्ति होती है अपने अनुभवों में। यदि हम अपने अनुभवों को अपने अज्ञान के अंधेरे में देखेंगे तो दुख ही दुख होगा, और यदि हम अपने ही अनुभवों को ज्ञान के प्रकाश में देखेंगे तो वही विषाद हमारे जीवन में विषाद योग बन जाएगा, उसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगी। और तीसरी बात, यदि हम जो अनुभव करने वाले हैं एक्सपीरियंसर, यदि उसका हम विश्लेषण करना शुरू करें अपने अज्ञान के दृष्टि से, तो हमेशा रोते ही रहेंगे और दूसरे से दाद मांगेंगे, भाई कुछ तो दाद दो हमारे रोने पर। और यदि ये जो अनुभव करने वाला है इसका अनुसंधान शास्त्रीय पद्धति से करेंगे तो वहां भी हमको परमात्मा की प्राप्ति होगी। क्यों? कि तीनों स्थानों पर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ड और एक्सपीरियंसर हमारे स्वामी जी की भाषा है, तीनों स्थानों पर एक ही तत्व ओतप्रोत उपलब्ध है। इस प्रकार से यहां बताते हैं कि शिव शक्ति समावेशे नमन केले म्या ऐसे रंभा गर्भ आकाशे रिघाला जैसा। जहां हमने इस अहम को लेकर के एनालिसिस करना शुरू कर दिया तब पता चला कि मैं नमस्कार करने निकला और जब नमस्कार किया तो उठा ही नहीं, क्यों कि जो नमस्कार करने वाला था वो वही समाप्त तो हो गया। एक बार स्वामी जी ने कहानी बताई थी, बोले शाम का समय हो और आप सूर्य से अलग दूर जा रहे हो तो आपकी प्रति छाया जो होगी परछाया वो काफी लंबी होगी, तो आपको यदि अपने पूर्ण छाया को ढकना हो तो क्या करोगे? कितना भी ट्राई करो दौड़ने का कभी नहीं कर पाओगे। सिंपलेस्ट मेथड इज अपने ही आप पर साष्टांग दंडोत, अपने आप को झुका दो पूरा, तो जितनी छाया है एकदम अपने आप अंदर में आ जाएगी। उसी प्रकार से महापुरे झाड़े जाती ते थे लवाड़े रहा, अपने जीवन में इस प्रेम के संदेश को ले आवे तब पता चलेगा कि जो आनंद हमको अपने साथ में रहने में मिलता है वही आनंद प्रत्येक के साथ में रहते हुए भी यदि बना रहेगा तब तो कहीं हमने शिव शक्ति एक है, यह संपूर्ण सृष्टि उसी परमात्मा की विभूति है, इस प्रकार से समझ में आएगा। और यही असली नमन है, और बाकी का छुआ छूत का जो नमन है वो तो ठीक ही है टाइम पास करने के। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। इस प्रकार से इस प्रथम अध्याय में संत ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत महत्व की बात सिद्ध करी है कि यदि हम तत्व का चिंतन इस प्रकार से करें जिस प्रकार से ज्ञानेश्वर महाराज ने दिया है तो उस तत्व के चिंतन करते 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 चिंतन करने वाला ही समाप्त हो जाता है और केवल तत्व मात्र रहता है। अब अगला अध्याय अगले
रविवार से शुरू करेंगे, उसमें ज्ञानेश्वर महाराज अपने गुरु महाराज की स्तुति करते हैं और गुरु महाराज की स्तुति करते करते भी फिर हम अपने अमृतानुभव पर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से ये दसों के दसों अध्याय में यही है। जैसे है ना कि तुलसीदास जी के वाक्य, जिस प्रकार से कामी पुरुष को प्रत्येक स्त्री में काम वासना ही दिखती है, उसी प्रकार से जिसने अमृत की अनुभूति की है उसको कोई भी विषय बताओ वो आपको घुमा फिरा करके वहीं पहुंचा देगा। तो पहले शिव शक्ति का समावेशन करके हम सबको भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने अमृत की अनुभूति दी है। अब अगले अध्याय में वो अपने गुरु की तारीफ करेंगे और गुरु की तारीफ करते करते पता ही नहीं चलेगा किसका गुरु कौन बोल रहा है, सब कुछ खत्म हो जाएगा और एक गुरु तत्व मात्र रहेगा। यही उनके इस लिखाण की सुंदरता है। श्री कृष्णा नारायणा गोविंदा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।